डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करेंगे हम पार्ट नंबर फिफ्थ की। बेटा ये देखिए, हमें राइट हैंड साइड में कोसिकेंट प्लस कोट चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे आपने ध्यान रखना है। न्यूमिनेटर में भी साइन से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी साइन से डिवाइड कर देंगे, ये ध्यान रखना आपने, क्योंकि तभी हमारे पास कोसिकेंट कोट ए आएगा और इसमें इस आइडेंटिटी का यूज होगा। मैं लिख देता हूं साथ में ताकि आपको दिक्कत हो। कोस ए अपॉन साइन ए कोट ए होता है, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए कट गया वन आ गया, प्लस वन अपॉन साइन ए कोसिकेंट ए होता है, ये होता है आपको मैंने लिखवा रखे हैं। कोस अपॉन साइन कोट होता है, साइन अपॉन साइन कट गया वन आ गया, वन अपॉन साइन कोसिकेंट होता है, यानी कि हरेक टर्म को इसको कोस को साइन को वन को साइन से डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार नीचे कोस अपॉन साइन कोट प्लस वन वन अपॉन साइन माइनस कोसिकेंट, ये हो गया। अब देखिए, क्योंकि राइट हैंड साइड में कोसिकेंट कोट की टर्म में सवाल चाहता है, मैंने सवाल को कोसिकेंट कोट की टर्म में कर लिया। कैसे कर लिया? ऊपर भी हरेक टर्म को साइन से डिवाइड कर दिया, नीचे भी हरेक टर्म को साइन से डिवाइड कर दिया बेटा, तो मेरे पास ये आ गया। आपको मैंने लिखवा रखा है कोस अपॉन साइन कोट होता है, साइन अपॉन साइन कट गया वन आ गया, वन अपॉन साइन कोसिकेंट होता है, इसी प्रकार नीचे हो गया। ये सारी चीजें मैंने पीछे की वीडियो में आपको बता रखी है। तो अब इसको कैसे शिफ्ट करेंगे, इसको हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग शिफ्ट करेंगे। कोसिकेंट ए प्लस कोट ए माइनस वन, नीचे एज इट इज लिख लो, कोट ए प्लस वन माइनस कोसिकेंट ए, नीचे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले कोसिकेंट लिख लिया, फिर कोट लिख लिया, फिर माइनस वन। अब इधर देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए आप, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए माइनस, रुक जाइए, अब मैंने एक आइडेंटिटी, देखिए इधर मैंने वन की जगह इसको ऐसे, वन की तीन आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो क्योंकि हमारा सवाल कोसिकेंट कोट में है, तो यहां पर वन की जगह ये आइडेंटिटी यूज होगी। अब हम ये लिखेंगे कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और जो दूसरी वन वाली आइडेंटिटी यूज नहीं होगी, क्योंकि हमारा सवाल कोसिकेंट कोट में है, इसलिए ये वाली यूज होगी, अपॉन कोट ए प्लस वन माइनस कोसिकेंट, ये नीचे एज इट इज चलता रहेगा जो हमने डिवाइड किया था, यहां भी यहां भी यहां भी। अब इधर देखिए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए माइनस, अब ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी खोल देंगे, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, ये आइडेंटिटी खोल दिया, अपॉन कोट ए प्लस वन माइनस कोसिकेंट ए, ये हो गया, ये आइडेंटिटी खोल दी मैंने, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी खोल दी मैंने इसमें, ए स्क्वेयर कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। तो बेटा आप देखिए ध्यान से, अब मेरे पास माइनस से पहले एक ए टर्म है और एक ए, इनमें कोसिकेंट ए प्लस कोट ए कॉमन आ गया, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए कॉमन आ गया, क्या रह गया इसकी जगह, तो रह गया वन, इसकी जगह देखिए, ये इसकी जगह तो रह गया वन, ये वाला माइनस ये रहा, ब्रैकेट लगाइए, ये बाहर चला गया, ये बाहर कॉमन आ गया, तो क्या रह गया कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, ये रह गया हमारे पास। तो नीचे वही कोट ए प्लस वन माइनस कोसिकेंट ए, या अब बेटा आगे देखिए, इधर देखिए, अब कोसिकेंट ए प्लस कोट ए
वन माइनस ब्रैकेट खोल रहा हूं कोसिकेंटे, ये ब्रैकेट खोल रहा हूं वन माइनस कोसिकेंटे, बाहर माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कोट ए अपॉन कोट ए प्लस वन माइनस कोसिकेंटे, या देखो बेटा ये ऊपर मल्टीप्लाई में और नीचे ये पूरा कट जाएगा, इससे मल्टीप्लाई में ना इसलिए कट जाएगा, अगर बीच में प्लस माइनस हो फिर नहीं कटता। अब ये देखो ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे पूरा कट जाएगा, क्या रह गया मेरे पास कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, यही हमने प्रूव करना था। देयरफॉर इसमें जो यूज हुआ ध्यान रखें, क्या आइडेंटिटी यूज हुई मैंने लिख दी है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी प्रकार बच्चों एग्जाम्पल नंबर 15 है इस एक्सरसाइज का, वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, वो भी मैं करवाऊंगा आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देयरफॉर इट इज हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके बेटा इट इज ऑल।